आज मैं बताऊंगा कि ये कौन सा धागा सिलाई के लिए एक अच्छा धागा है और आप इसे जो धागा होता है धागा का बहुत लोगों को परेशानी होता है कि कौन सा धागा यूज करें, कैसा धागा यूज करें जो कपड़ा मजबूत हो और सिलाई बाद में ना टूटे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यही जानकारी देना चाहता हूं कि आप जो कंपनी लोगे जिस धागा का मैं बात कर रहा हूं आज, तो वो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो कंपनी है वर्धमान का है, इसको चैलेंज बोला जाता है। इसको आप अच्छे से ये कपड़े में आप यूज कर सकते हैं। इसका जो क्वालिटी होता है वो बढ़िया होता है। आप इसे कोई भी फैब्रिक में आप इसे स्टिचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो परेशानी होता है धागा का वो थोड़ा सा ज्यादा होता है कि किसी का सिलाई में कमजोर धागा रहने पे वहीं पे टूट जाता है और फिर बाद में भी उसका सिलाई जो होता है फैब्रिक में वो भी बाद में कुछ दिन के बाद जल्दी वो टूटने लगता है। तो इसलिए ये बहुत ही बढ़िया धागा है वर्धमान का। आप इसे कहीं भी परचेज कर सकते हैं और इसको आप सिलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ही सा मैं आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि धागा जो होता है वो आप यही चैलेंज जो बोला जाता है वर्धमान का आप इसे खरीद सकते हैं।